तो हाय वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दोस्तों एक्सपर्ट प्लम्बर वर्ल्ड और मैं हूं आपका एक्सपर्ट प्लम्बर। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जो काम करेंगे बॉल वॉल रिप्लेसमेंट। टैंक के अंदर अगर आपका बॉल वॉल लीकेज हो रहा है तो उसे कैसे रिप्लेस करते हैं वो आज की वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ सीनरीज बताना चाहूँगा जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। ये देखिए कितना ग्रीनरी है, देखिए आप कितने अच्छे अच्छे ट्रीज लगे हुए हैं। ऐसी जगह पे अगर आप लीव करेंगे तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी, आपको फ्रेश एयर मिलेगी। तो आप जितना हो सके ट्रीज लगाइए आपके आसपास ताकि आपको फ्रेश एयर मिल सके, ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बॉल रिप्लेसमेंट वर्क। चलिए आइए, ये है देखिए वाटर टैंक, यह है कॉन्क्रीट की वाटर टैंक जो कि अपार्टमेंट्स में आपको अक्सर देखने को मिलेगी। वाटर टैंक जो कि कॉन्क्रीट की रहेगी, प्लास्टिक की नहीं लगाते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक के टैंक्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं और वो पानी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़े टैंक्स लगाने नहीं लगा सकते। इसलिए अपार्टमेंट में तकरीबन आपको ये कॉन्क्रीट के ही टैंक मिलेंगे। तो ये देखिए लाइन वहाँ से निकल रही है, सप्लाई लाइन, और ये है इसका वॉल। ये देखिए ये वॉल अभी बंद है क्योंकि ये बॉल लीक हो रहा है। देखिए अब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये कैसा पानी लीक करेगा, देखिए ये देखिए यहाँ से इसकी हैंडल में से पानी लीक हो रहा है। ये देखिए इसके अंदर से पानी लीक हो रहा है, ये देखिए होते होते लीक होते हुए ये देखिए पूरा फ्लोर पे गिर रहा है पानी, पूरा ये बहकर ये देखिए ऐसा जा रहा है, ये आपका पूरा स्लैब ख़राब होगा। तो आपको चाहिए कि अगर आपका ऐसा बॉल वॉल ख़राब हो तो आप इसे रिप्लेस करा लें। चलिए मैं बताता हूँ इसे कैसे रिप्लेस करते हैं। पहले तो वॉल बंद करेंगे। तो अभी हम पाइप ब्रिज पानी से यूनियन खोलेंगे। ये सप्लाई लाइन है CPVC 1/4 इंच 1.1/4 की। अभी हम वॉल के नीचे से कट कर लेंगे 1 इंच छोड़कर। ये ब्लेड टूट गई, कुछ टेंशन ना लें, फिर से कंटिन्यू करें काम, कट कर लें इसे। ये देखिए कट हो गया है, तो ये देखिए यूनियन का हिस्सा। अभी इसे अच्छे से क्लीन कर लें, जो भी पेंट वेट लगे हुआ है जाके सॉल्वेंट अच्छे से पकड़े इसे। तो यूनियन वापस से फिट कर लें आप इसे। ये देखिए अब हमारा है न्यू बॉल वॉल जो कि हैवी क्वालिटी का है, जो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और ये लगेगा यहाँ पर, ये यूनियन के हिस्से में। अभी वापस से हम यूनियन खोल लेते हैं और सॉल्वेंट सीमेंट लगाकर बॉल वॉल के अंदर और यूनियन के पीस को सॉल्वेंट अच्छे से लगाएं। सॉल्वेंट सीमेंट बोलते हैं इसे, फिक्स कर लें, अच्छी क्वालिटी का लें ताकि फिक्स अच्छे हों, टाइट हो। चलिए ये देखिए फिक्स हो गया है। अभी हम यहाँ पर देखिए बॉल वॉल लगा रहे हैं तो पीछे दीवार लग रही है, तो हमें थोड़ा इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते समय नीचे के पाइप पे कुछ आप लगा दें, कपड़ा कवर कर ले ताकि मट्टी सॉइल कुछ भी इसके अंदर कचरा नहीं जा सके। चलिए हो गया है। अभी ये अभी ऊपर का बॉल कट कर लें। पानी आ रहा है तो अभी हमें ये रनिंग वाटर में करना है क्योंकि टैंक फुल पानी है, उसके अंदर अब हम उतर भी नहीं सकते, अगर उतरेंगे तो पानी ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा पानी बहाना पड़ेगा, हमें वेस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए कट हो गया है बॉल वॉल का हिस्सा। अब ये बॉल वॉल निकल गया है पुराना, अब ये नया बॉल वॉल लगेंगे। तो पहले हम यूनियन फिट करेंगे, फिर उसके बाद हमें लेना है ऊपर के लिए कपलिंग 1/4 इंच की 1/1.4 की CPVC कपलिंग। सोल्यूशन अच्छे से लगा लें और सोल्यूशन याद रखें अच्छी क्वालिटी का है, दोनों साइड लगा लें, कपलिंग के अंदर भी और पाइप के ऊपर भी रॉन्ड। अभी इसे जल्दी से फटाक से लगाना है आपको। ये देखिए लग गया है कपलिंग। अभी आप मेजरमेंट कर ले वॉल और कपलिंग के बीच के दरमियान का हिस्सा। अब ये मेजरमेंट करने के बाद आप इतना ही हिस्सा पाइप काट लें, कट कर लें। ये कट हो गया है पीस, भी अच्छे से रफ कर लें, साफ कर लें। अब वापिस से आप यूनियन खोल लें। यूनियन खोलकर आप जो मेजरमेंट करके पीस
काटे हैं वो उसे बॉल वॉल में लगा दें। सॉल्यूशन अच्छे से लगाकर ये देखिए अभी ये पूरा सेट बन गया है। अब ये वॉल का सेट वहाँ पर फिक्स होगा। तो सॉल्यूशन आप अच्छे से लगा के इसे सीधा ऊपर पहले लगा लें और यूनियन का जो नीचे का हिस्सा है दोनों फेस मैच हो सके। देखिए फेस मैच हो के ताकि यूनियन का चकनट टाइट होगा। ये ध्यान रखिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको यही लगाना मेन इम्पोर्टेंट है पीस लास्ट का। ये देखिए बरोबर फेस टू फेस आ गया, वो टच हो गया है। तो ये मेजरमेंट का रहता है, आपको मेजरमेंट पर लेंगे तो इसके अंदर गैप नहीं आएगा, वो टच हो गया हो जाएगा और ये यूनियन का चकनट फिक्स हो जाएगा। ये देखिए हो गया, देखिए लीकेज नहीं हो रहा है, परफेक्ट, नो लीकेज। तो दोस्तों आज आपने देखा कि अगर आपके टेरेस पे बॉल वॉल लीक हो रहा है तो उसे कैसे रिप्लेस करते हैं कंटिन्यूसली रनिंग वाटर में। ये देखिए एक भी खतरा, एक भी ड्रॉप आपको भी पानी लीक नहीं हो रहा है। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।